इन्हों की ऐसी रीत ऐसी खालिस्तानी थोड़ी ऐसी रीत ऐसी तुम सानू पासपोर्ट राही भेजना चाहते हो उत्थे तुहाडे दिमाग नहीं है इत्थे तुसी आम सिखां दी समस्या पैदा कर रहे हो रोज चुके धरने लाते ते आ जिहड़ियां गंदियां करतूतां करदे फिरदे ने इन्हां गंदियां करतूतां दे खिलाफ आवाज़ नहीं को उठाएगा। आ हुण अंबैसी दे विच उन्होंने कहा भी चलो जी बोरी बिस्तरा चुको भजो इत्थों हिंदुस्तान की अंबैसी ने कहता भजो इत्थों ते कल नूं नुकसान किहदा है खालिस्तान दियां उत्थे गल्लां उठदियां ने आओ इत्थे आके खालिस्तान की गल कर दो तुहानूं खालिस्तान का मतलब दस दें की है किहड़ा खालिस्तान तुसीं चाहुंदे हो कि खालिस्तान तुसीं 200 किलोमीटर का खालिस्तान चाहुंदे तुहाडी ऐसी रीत ऐसी तुहाडे दिमाग है कि नहीं है जद खालिस्तानी हो जदों देखो धरने जदों देखे मार देंगे जदों देखो कट देंगे जदों कहिंदे तेरियां लत्तां वढ देंगे तुहाडी ऐसी रीत ऐसी। और सिमरनजीत सिंह मान का भी वक्त हुण जल्दी आने वाला है इहदी इनकुआरी जल्दी खुलण वाली है किन्ने नौजवानों नूं पैसे लैके विदेशों नूं इन्ने भेजिया और उन्होंने उत्थे जाके तिरंगे झंडे का अपमान किया। ज़्यादा बोलता फिरदा ना सिमरनजीत सिंह मान असी तो बोलना बंद करता सी भगत सिंह नूं अतवादी कही जांदा मान भारत मां नूं गालां कढ़न वाले नूं माड़े शब्दों का इस्तेमाल करता मान मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा ये अपने अंदर गांधी भरी जांदे ने इन्हां ने गालां ही कढ़नियां हर एक नूं असी भी हुण बेशर्म हो गए कढ लो तुहाडी ऐसी रीत असी कर लो जो कर बस असी भी तैयार हो। हाँ कैनेडा का प्रधानमंत्री ना पहले तो उन्होंने साडा दो टुक जवाब है तो खालिस्तानियों ने भी जवाब है तो पहला भी जवाब देना एक जवाब बिट्टा एवें नहीं देता इन्होंने नाल 40-42 साल तो मैं लड़ रहा सरीना तो बंब भी चलाए गोलियां भी चलाइया दोस्त यार जवान भी शहीद होए तो गर्म खून है बोनस की जिंदगी मेरी गल सुन लैन चज नाल खालिस्तान ना बनया सी ना बनूगा ना कभी बन देंगे बनेगा तो गंदी हनेरी वांगू साढ़े टुटे शरीर से लाशा तो गुजर जाएगा। ये खालिस्तान की मंग करने वाले ये तो कौम के दुश्मन ने यह तो गुरु महाराज दी सजाइया हुई खून नाल दस्तारा तपा जपाना दस्तारा उदा अपमान कराने वाले ये बंदे ने। जितों तक ट्रूडो का सवाल है कि ट्रूडो उन्होंने प्रैशर थले आ चुका है जिस तरीके से पंजाब दे विच गंदी राजनीति ने पंजाब नूं तबाह किया धर्म की गंदी ठेकेदारी ने पंजाब नूं तबाह किया पंजाब की जवानी बर्बाद की पंजाब की जनरेशन अगे लिए रस्ते बंद कर दिते साडा पंजाब इन्हां दीआं गलतियां दे नाल खाली हो गया अजे उत्थे खड़े ने ते पंजाब दे लोक क्यों ना बोलन खालिस्तान दीआं उत्थे गल्लां उठदीआं ने आओ इत्थे आके खालिस्तान की गल कर दो तुहानूं खालिस्तान का मतलब दस दें की है किहड़ा खालिस्तान तुसीं चाहुंदे हो कि खालिस्तान तुसीं 200 किलोमीटर का खालिस्तान चाहुंदे हो कि तुसीं बठिंडा राजपुरा तो पठानकोट का खालिस्तान चाहते हो जो 2.5 घंटे ज खत्म हो जाए तो ऐसी रीत ऐसी तुहाडे दिमाग है कि नहीं है चंद खालिस्तानी हो जदों देखो धरने जदों देखे मार देंगे जदों देखो कट देंगे जदों कहिंदे तेरियां लत्तां वढ देंगे तुहाडी ऐसी रीत ऐसी की पहचान बना रहे हो तुसीं अपनी एडा पवित्र साडा सिख समाज हिंदुस्तानी दुनिया की करोड़ों जनता उत्थे आके रोज़ सिर चुका के नमस्तक करती हरिमंदर साहब नूं मतलब सिख कौम के अगे नमस्तक करती है और तुसी इन्ने हंकारा च आ गए हो इन्ने हंकारा दे विच आके और तुसी कहना शुरू करता असी खालिस्तान बनावांगे जिहड़े चुप ने जिहड़े नहीं बोलते वह भी देश नाल धोखा कर रहे हैं उन्होंने सामने आना चाहिए साडी पगड़ी का किड्डा अपमान हो रहा है। अज हुण जावांगे असी एयरपोर्टां ते विदेशां नूं जावांगे जिहड़ियां 2 वारी चैकिंग होगी 100 वारी चैकिंग होगी कौन करूँ किहदे करके ये जिहड़े कैनेडा दे विच रौला पाण वर्गे पन्नू वर्गे फिर कहणगे देखो जी साडे सिख कौम नाल बड़ा वड्डा धक्का हो गया तो आ जिहड़ियां गंदियां करतूतां करदे फिरदे ने इन्हां गंदियां करतूतां दे खिलाफ़ आवाज़ नहीं को उठाएगा। आ हुण अंबैसी दे विच उन्होंने कहा भी चलो जी बोरी बिस्तरा चुको भजो इत्थों हिंदुस्तान की अंबैसी ने कहता भजो इत्थों तो कल नूं नुकसान किहदा पंजाब दे नौजवानां दा पंजाब दी जवानी बर्बाद हो रही है उहदा नुकसान है कल नूं। तो मैं यही कहना चाहवांगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने बड़ा सख्त स्टैप लिया और सिमरनजीत सिंह मान का भी वक्त हुण जल्दी आने वाला है इहदी इनकुआरी जल्दी खुलण वाली है किन्ने नौजवानों नूं पैसे लैके विदेशों नूं इन्ने भेजिया और उन्होंने उत्थे जाके तिरंगे झंडे का अपमान किया वक्त आने वाला कानून वड्डा है कानून दे अगे बाकी सब छोटे ने वो वक्त आएगा। ये ज़्यादा बोलता फिरदा ना सिमरनजीत सिंह मान असी तो बोलना बंद करता सी भगत सिंह नूं अतवादी कही जांदा मान भारत मां नूं गालां कढ़न वाले नूं माड़े शब्दों का इस्तेमाल करदा मान ये चीज़ां हुण बर्दाश्त तो बाहर ने। लेकिन सर जिस तरीके से कनाडा ने एडवाइजरी भी जारी की है कि
जो पाकिस्तान से लगते बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, अपने लोगों को बोला है कि इन एरिया से दूर रहें, यहाँ ना जाएं। कौन कहता है, किसने कहा? ये कनाडा ने एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन के लिए कि जो भारत जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ना आए तो सानू की फर्क पैंदा है? असी तर्रे मार दी फिरी, साडा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, असी को बीजेपी दे नहीं है, ये प्रथम राष्ट्र है, ये मेरे खून चो बंबा चो निकले नारा, मेरा धर्म भारत माँ ते मेरी जात बंदे मातरम। वो भारत जिथे गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज ने पवित्र स्थान भारत देश के अंदर पटना साहब दे विच उन्हां दा जन्म स्थान सी, ते आखरी जिथे ज्योति जोत समाए, जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, गुरु महाराज विराजमान, नदेड़ साहब ते लखपा साहब, जिथे गुरु नानक देव जी महाराज दियां चरण ते खड़ावां ने, श्री चंद महाराज दियां खड़ावां ने, ते दिल्ली दे अंदर रकाबगंज साहब, नदेड़ साहब, रकाबगंज साहब, शीशगंज साहब, वंगड़ा साहब, कुरुक्षेत्रा साहब, इन्हां दी ऐसी दी तैसी खालिस्तानी हो, तुहाडी ऐसी दी तैसी, तुसीं सानूं पासपोर्ट राही भेजना चाहुंदे हो उत्थे, तुहाडे दिमाग नहीं है इत्थे, तुसीं आम सिखां दी समस्या पैदा कर रहे हो, रोज़ चुक के धरने लाते, मौत दे सौदागर छड्डो जी, छुड़ा लो हुण मौत दे सौदागर, जे सरकारां ने छड्डने भी आउंदे हुण तां वी ना छड्डन, आ तुहाडियां करतूतां करके एक तुहाडा स्यापा खत्म नहीं हुंदा, दूजा तुहाडा स्यापा शुरू हुंदा। मेरी तां जिंदगी खुजर गई इहनां नूं देखदिआं देखदिआं, की नहीं मिले हिंदुस्तान ने साडे सिख कौम नूं, की नहीं दिता? डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर दिते, हिंदुस्तान का ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति दिते, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह दिता, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर साहब बूटा सिंह दिता, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा दिता, हिंदुस्तान का एयर मार्शल सर अर्जन सिंह दिता, हिंदुस्तान का एयर मार्शल धनोआ जी दिता, हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार दरबाग सिंह दिता, हिंदुस्तान का फॉरन मिनिस्टर सर स्वर्ण सिंह दिता। वो विश्वास नहीं किया कि सेंटर गौरमेंट ने कोई भी होवे, किसी पार्टी की होवे, सरदार बिक्रम सिंह आर्मी चीफ दिता, जेजे सिंह आर्मी चीफ दिता, CBI का चीफ सरदार जोगिंदर सिंह जी दिते, जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस खहरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिते, वो की नहीं दिता हिंदुस्तान ने सानू, की नहीं दिता सानू हिंदुस्तान ने, मैं पूछना चाहना, सानू सब कुछ दिता। कि किसी ईसाई धर्म ने, हिंदू धर्म ने, मुसलमान धर्म ने यह किया कि तुसी 2% नूं इन्ना कुछ दिता, सानू तां दिता नहीं, कदी किया किसी ने इतराज़ किया? इन्हां नूं चंद लोकां नूं, खालिस्तानियां नूं नरेंद्र मोदी जी खालस उत्थों ननकाणा साहब भी लिया के दे देणगे ना, करतारपुर खोलिया सी ना उन्होंने, जदों सर्जिकल जंग सी खोलिया सी ना करतारपुर साहब, अतवादी भी छड़दे सी, इन्हां ने छड़ते सी अतवादी, करतारपुर साहब खोलिया तो की उस तो बाद इन्ह ने करतूतां कीतियां, इन्हां नूं ननकाणा साहब भी नरेंद्र मोदी जी लिया देणगे ना, इन्हां दे मूँह च गंद है, गंद ही बोलना है। एक पवित्र बाणी दुनिया सुनती है, समझ आवे या ना आवे, ऐ सिर झुकाउंदी है पवित्र जदों प्रवचन बाणी निकलती है। हरबंस सिंह रागी जगाधरी वाले, श्रीनगर वाले मनजिंदर सिंह जी, पवित्र बाणी अखां चों हंझू आ जांदे ने जदों छोटे साहिबजादियां दे उत्ते प्रवचन बोलते हैं। तो मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा, ये अपने अंदर गांधी भरी जांदे ने, इन्हां ने गालां ही कढ़नियां हर इक नूं, असीं भी हुण बेशर्म हो गए, कढ लो तुहाडी ऐसी रीत, असीं कर लो जो करना, बस असीं भी तैयार हो गए, हुण आ जाओ बई की करोगे, बंब चलाउणे बंब चला दिओ, गोलियां चलाउणियां गोलियां चला रहे हो, असीं मरांगे देश की खातर, तुसीं कुत्ते की तरह दलील होकर तुसीं रगड़ा खाओगे, वो तुसीं देश नाल गदारी करते हुए, मैं देश लई मरूं, आ जाओ जिद्दन आना आ जाओ, तैयार खड़ा।